खबर सुल्तानपुर से है, जहां कोरोना का कहर जारी है और उसके कहर से कोई लापरवाही करने वाला बच भी नहीं पा रहा। तो उसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोविड 19 के मरीजों में आ रही नई परेशानियों से निपटने के लिए एक बड़ी पहल करते हुए आज से जिले में पोस्ट कोविड सेंटर सरस्वती शिशु मंदिर सरवारा मार्ग में खोला गया। इस बाबत जब हमारी बात स्कूल के प्रधानाचार्य से हुई तो उन्होंने अवगत कराया कि सेंटर में कोरोना के कहर से बचने के बाद कोरोना को मात देते हुए उसके उपरांत यदि मरीज में किसी तरह की समस्या आ रही है तो उसे चिकित्सक के द्वारा चिकित्सीय निर्देश पर एडमिट कर लिया जाएगा। बताते चले कि वहीं डॉक्टर एके सिंह ने बताया कि यहाँ पर इमरजेंसी चिकित्सा निदान के समस्त उपकरण व सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तो यह व्यवस्था आम जनता को सुविधा और प्रशासन को सहयोग करने की दृष्टि से प्रारंभ की गई है। साथ ही डॉक्टर आरएम वर्मा डॉक्टर जेपी सिंह ने बताया कि इसके पहले ओपीडी बंद होने के समय जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए वीर अब्दुल हमीद चिकित्सालय में प्रतिदिन 2 घंटे की निशुल्क ओपीडी प्रारंभ की है, जिसमें प्रतिदिन लोग ओपीडी का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही जिला अस्पताल से लेकर व्यक्तिगत परिवारों तक निशुल्क भोजन वितरण की भी व्यवस्था संगठन ने कर रखी है, जिसका निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जा रहा है। साथ ही बताया गया कि संगठन हमेशा जन सहयोग के लिए आगे बढ़ चढ़कर सेवा भाव से अनवरत जारी है और कोरोना के कहर के इस संकट काल में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनता के सहयोग के लिए दिन रात लगा हुआ है। अभी सरकारी चिकित्सालयों में कोविड 19 के मरीजों को निर्धारित समय सीमा तक रखा जा रहा है। इसके बाद भी कुछ मरीजों को परेशानियां हो रही हैं, जिनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह पोस्ट कोविड सेंटर सुल्तानपुर शहर के सिरवारा मार्ग स्थित सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में आज मंगलवार से खोला गया है। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार सिंह है। आज के जो ये पोस्ट कोविड पुनर्वास केंद्र खुला है, इसके लिए क्या? ये सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा भारती के की मदद से उनके तत्वाधान में एक ये पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लोगों को सांस की बीमारी होती है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिनको चेस्ट फिजियोथेरेपी पल्मोनरी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, जो लोग कोविड नेगेटिव हो गए हैं लेकिन फिर भी अभी भी उनकी सांस फूल रही है, उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है या चलने पे उनको दिक्कत हो रही है, ऐसे मरीजों को हम यहाँ पर 1 से 2 दिन 3 दिन रखेंगे, उनका रिहेबिलिटेशन करेंगे, जिसको पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन कहते हैं। सेवा भारती हमारा एक अनुसंधान संगठन है, उसके सौजन्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुल्तानपुर के तत्वाधान में कोरोना 2019 का जो महामारी है, इसमें जो भी मरीज प्रभावित हुए हैं, जो हमारे जिला अस्पताल में L1 में L2 में भर्ती हैं, जो भर्ती मरीज हैं उनके भोजन की चिंता सरकार कर रही है, लेकिन उनके सहयोग के लिए उनके घर के जो परिजन साथ में आते हैं उनके भोजन की व्यवस्था की चिंता हमारा संगठन कर रहा है। ये जो पोस्ट कोविड पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन आज हुआ है, किस उद्देश्य से हुआ है? देखिए, RT-PCR निगेटिव होने के बाद जब लगता है कि मरीज ठीक हो गया है, फिर भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और तकलीफ बनी रहती है। बहुत सारे लोगों को सांस की दिक्कत रहती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, एंग्जाइटी रहती है, रात को नींद नहीं आती है, इस तरह की विभिन्न जो समस्याएं हैं, ये हमारा पोस्ट कोविड जो पुनर्वास केंद्र है इन समस्याओं को डील करेगा। नगर के बहुत कई अच्छे चिकित्सक इससे जुड़े हुए हैं और हर तरह की सेवाएं मरीजों को दी जाएंगी। क्या नाम है साहब? डॉक्टर जेपी सिंह। जी डॉक्टर साहब, आज का जो पोस्ट कोविड पुनर्वास केंद्र का जो उद्घाटन हुआ है जी सरस्वती विद्या मंदिर में जी, ये किस मूलभूत समस्याओं को लेकर हुआ है, उसकी आगे क्या रणनीति? एक्चुअली ऐसा है, हम लोग फिजिशियन आदमी हैं, बहुत सारे कोविड के पेशेंट को ट्रीट करते हैं, लेकिन ये देखा गया कि कोविड के ट्रीटमेंट के बाद भी बहुत सारे पेशेंट्स में जो लंग डैमेज हो जाते हैं उसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी परेशानी होती है, सांस फूलती है, और इसके अलावा कोविड की वजह से भय बहुत बना रहता है। न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए।